स्टूडेंट्स, कल हमने लेक्चर नंबर 31 किया था, आज हम लेक्चर नंबर 32 करेंगे। इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रूप में कर्व की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न समाकलन को ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित कर मान ज्ञात कीजिए। डबल इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू ए एंड लिमिट फ्रॉम वाई टू ए, एक्स डिवाइड डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर समाकलन से पता लग रहा है कि एक्स की सीमा है वो एक्स बराबर वाई से एक्स बराबर ए तक है, और वाई की सीमा वाई बराबर 0 से वाई बराबर ए तक है। इन चारों रेखाओं से ग्राफ बनाने पर ये चित्र के चित्रानुसार हमें ग्राफ प्राप्त होता है, और इन चारों रेखाओं से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज ओ ए बी प्राप्त हो रहा है। त्रिभुज ओ ए बी में ओ ए पी में ओ ए बटा ओ पी बराबर कोस थीटा, अर्थात ए बटा आर बराबर कोस थीटा, तो आर बराबर ए सेक थीटा। ये जो बाउंडेड रीजन जो है ट्राइंगल के द्वारा, इसमें एक पट्टिका ली गई है ध्रुवांतर रेखा से बनी हुई ओ पी, इसकी लंबाई आर बराबर 0 से आर बराबर ए सेक थीटा तक चलती है, इसलिए ध्रुवीय रूप में आर की सीमा आर बराबर 0 से आर बराबर ए सेक थीटा हो जाएगी। और थीटा की सीमा इस पट्टिका का जो एंगुलर मोमेंट है वो थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई बटे 4 तक होगा, ये थीटा की लिमिट आ गई। और जो इंटीग्रेशन है उसमें एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, और डिवाइड डी एक्स की जगह आर डी थीटा डी आर रखने पर ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट इन डबल इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 एंड 0 टू ए सेक थीटा आर कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर डी थीटा डी आर बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 कोस थीटा ब्रैकेट इंटीग्रेशन 0 टू ए सेक थीटा इंटू डी आर ब्रैकेट क्लोज डी थीटा बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 4 कोस थीटा, एंड डी आर का इंटीग्रेशन आर हो जाएगा लिमिट 0 टू ए सेक थीटा डी थीटा बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 कोस थीटा इंटू ए सेक थीटा डी थीटा, कोस थीटा गुणा सेक थीटा एक हो गया, ए बाहर आ जाएगा, तो ए बराबर ए इंटू समाकलन 0 से पाई बाई 4 डी थीटा, और डी थीटा का समाकलन थीटा लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 लिमिट रखने पर ए पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 2, कोऑर्डिनेट आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा की प्रारंभिक रेखा से ऊपर वाले क्षेत्र पर आर स्क्वायर कोस थीटा का समाकलन कीजिए। तो कोऑर्डिनेट जो अपना दिया गया वक्र है आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा है, इसका अनुरेखण चित्रानुसार किया हमने, ये प्रारंभिक रेखा की ऊपर वाला पार्ट है। इसमें आर की सीमा है वो आर बराबर 0 से आर बराबर ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा तक जाएगी, और थीटा की लिमिट है वो 0 से पाई तक होगी। अब समाकलन 0 से पाई, समाकलन 0 से ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा आर स्क्वायर कोस थीटा जिसका समाकलन हमें करना है, इंटू आर डी थीटा डी आर, आर डी थीटा डी आर जो भी है वो डी एक्स डी वाई की जगह रखा जाएगा उसमें, बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई कोस थीटा ब्रैकेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा आर क्यूब डी आर ब्रैकेट क्लोज इंटू डी थीटा बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई कोस थीटा आर की पावर 4 बटे 4 लिमिट फ्रॉम 0 टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा इंटू डी थीटा। सीमा रखने पर माना जाएगा 1 बटा 4 समाकलन 0 से पाई कोस थीटा इंटू ए की पावर 4 इंटू 1 प्लस कोस थीटा का होल पावर 4 डी थीटा बराबर 1 की पावर 4 बटे 4 समाकलन 0 से पाई 1 प्लस कोस थीटा होल पावर 4 इंटू कोस थीटा डी थीटा बराबर 1 की पावर 4 बटे 4 समाकलन 0 से पाई 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल पावर 4 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा बराबर 16 1 की पावर 4 बटे 4 समाकलन 0 से पाई कोस थीटा बाई 2 की पावर 8 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा बराबर 4 ए की पावर 4 समाकलन 0 से पाई बाई 2 कोस टी की पावर 8 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी इंटू 2 डी टी
कि हमने रिप्लेसमेंट किया थीटा बाई टू बराबर टी, तो थीटा बराबर टू टी एंड डी थीटा बराबर टू डी टी, टी की सीमा 0 से पाई बाई टू तक हो जाएगी, बराबर 8 ए की पावर 4 ब्रैकेट समाकलन 0 से पाई बाई टू कोस टी की पावर 8 डी टी माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू कोस टी की पावर 8 इंटू साइन स्क्वायर टी डी टी ब्रैकेट क्लोज 8 ए की पावर 4 ब्रैकेट। इसमें गामा सूत्र अप्लाई करने पर गामा 8 प्लस 1 बटा 2 गामा 0 प्लस 1 बटा 2 बटा 2 इंटू गामा 8 प्लस 0 प्लस 2 बटा 2 माइनस 2 इंटू गामा 8 प्लस 1 बटा 2 गामा 2 प्लस 1 बटा 2 अपॉन 2 इंटू गामा 8 प्लस 2 बटा 2 बराबर 8 ए की पावर 4 बटे 2 ब्रैकेट गामा 9 बाई 2 इंटू गामा 1 बाई 2 अपॉन गामा 5 माइनस 2 इंटू गामा 9 बाई 2 गामा 3 बाई 2 अपॉन गामा 6 बराबर 4 ए की पावर 4 ब्रैकेट 7 बाई 2 इंटू 5 बाई 2 इंटू 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू गामा 1 बाई 2 इंटू गामा 1 बाई 2 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 7 बाई 2 इंटू 5 बाई 2 इंटू 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू गामा 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू गामा 1 बाई 2 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 4 ए की पावर 4 गुणा 105 बटा 24 गुणा 16 ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन 4 वन माइनस वन अपॉन फाइव ब्रैकेट क्लोज इंटू गामा हाफ का होल स्क्वायर गामा हाफ की जगह रूट पाई रखने पर बराबर ए की पावर 4 गुणा 35 बटा 8 गुणा 4 गुणा 4 बटा 5 गुणा रूट पाई का होल स्क्वायर बराबर 7 बटा 8 ए की पावर 4 गुणा पाई बराबर 7 पाई ए की पावर 4 बाई 8। थैंक यू।